हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक, उन सब का मैंने एक ही वीडियो बनाया है और सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में लिया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। पूछा गया वो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जिन्होंने किया है वो हैं दादा भाई नौरोजी हैं, और वो उन्होंने किया था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था, जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्धारण किया था। मतलब कि जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्धारण था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोली तल की वक्रता की त्रिज्या किससे मापते हैं। तो गोली तल की वक्रता की त्रिज्या जो है स्फेरोमीटर से मापते हैं। द्रव की श्रेयांता किस मीटर में मापते हैं, किस मीटर से मापते हैं। तो द्रव की जो श्रेयांता है वो विस्कोमीटर से मापते हैं। एक सूचना यह है कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसलिए और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन जो है, एक ही मांग पर वक्र चलन को क्या कहते हैं। एक ही मांग पर वक्र चलन को क्या कहते हैं, तो मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदे जो हैं गोलाकार क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। आगे पूछा गया जो क्वेश्चन, वह है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताओ। आपेक्षिक घनत्व का घनत्व तो एक अनुपात है, आपेक्षिक घनत्व तो एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर वस्तु का घनत्व होता है, वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर घनत्व से घनत्व का कट जाएगा दोनों का मात्रक, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछ जाता बन जाता है कि अपेक्षित घनत्व को किससे माना मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये अगला जो क्वेश्चन है वो, किस जीव की जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो संसार में किस जीव की जीव संख्या सर्वाधिक अधिक है, तो वो है मछली की। आगे चलिए देखते हैं, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसी भी साग या सब्जी से प्राप्त न होता हो, तो वो है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूर्य से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर एक ये भी है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो जानते हैं आप लोग कि सूखा रोग होता है विटामिन डी से, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो पौधों में जड़ों के माध्यम से पानी पहुँचने का क्या कारण है। पौधों में जड़ों के माध्यम से पानी पहुँचने का क्या कारण है, तो वो कारण है श्यानता या विस्कासिता। श्यानता या विस्कासिता के माध्यम से पौधों के जड़ों के माध्यम से पानी पहुंचती है। अगला जो क्वेश्चन था, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम है वो जिंक फास्फाइड। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। तो कॉफ़ी में जानते हैं कि कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक पदार्थ है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ चाय से भी बनता है कि चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ जो है वो थीन है, थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है और चाय में थीन होता है, इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इसी से देखिए एक चीज़ और यहाँ है कि फेसबुक पर जितने लोग हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, www.facebook.com/selfguidedstudycenter। इस पर आप लोग जाइएगा, पेज को लाइक करिएगा और वहाँ पर
एक ग्रुप भी है सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के नाम से, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो दो संख्याओं का, मतलब ये देखिए गणित से पूछा गया है, दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? मैंने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का औसत अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक कतार में 22 लड़कियां हैं, प्रारंभ से 8वीं लड़की अंत से किस नंबर पर आएगी? मतलब एक कतार ये है, इसमें 22 लड़कियां हैं, तो इसमें प्रारंभ से 8वीं लड़की, ये जो 8वीं लड़की अंत से किस नंबर पर आएगी? तो यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व कर दिया, तो 22 - 8 - 1 बराबर 15वें नंबर पर आएगी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस प्रयोग की जाती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। संविधान की, अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी क्वेश्चन इससे बन जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये अनुसूचियां वाली तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाती है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वो है अनुच्छेद 63। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, क्योंकि जानते हैं कि भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय राजधानी पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा अच्छे से, वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो वो है मुंबई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल का दबाव किससे मापते हैं? वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर। मिशन के संस्थापक कौन है, कौन थे? तो वो है स्वामी विवेकानंद, 1897 में इन्होंने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो है राजा राम मोहन राय, 1828 में। अगला क्वेश्चन था, मैथ से ही था, किसी वस्तु के लिए 25, यहाँ देखिए मिस्टेक हो जा रहा है, 25% यहाँ परसेंट है, 25% छूट पर, यहाँ देखिए परसेंट आप लोग कर लीजिएगा, किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना हो, ये बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो है वो समकोणी शीर्ष पर होता है, मतलब ये समकोण, ये सॉरी इसे हटाइए, ये आपका जो समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज जो है इसमें पूछा है कि लंब केंद्र कहाँ होता है, तो लंब केंद्र जो होता है वो समकोणी शीर्ष पर होता है, मतलब कि यहाँ पर होता है। आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो है अटलांटिक महासागर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मूंगफली कैसी फसल है? मूंगफली नगदी फसल है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ उपन्यास स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक अरुंधति राय हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स सामान्यतः किससे बनते हैं? तो कंप्यूटर की जो आईसी वगैरह होती है, चिप्स होती है, वो सब सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है। अगला था क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो है बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। आइए चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो है लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, नरसंहार के दोषी जनरल डायर को किसने मारा था? तो जिसने ये जलियांवाला बाग का नरसंहार जो कराया था जनरल डायर, उसे किसने मारा था? तो वो है ऊधम सिंह ने मारा था। अगला क्वेश्चन जो है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। मतलब राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उन सब की पीडीएफ आपको इस साइट पर मिल जाएंगी। ये जो sites.google.com/site/ichha-center-of-education है, इसमें आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यही दिखाई देगा। आप उस पर जाएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया, वो है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। अगला पूछा गया, ये नृत्य वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। ये तो एग्जाम में भी इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि इंटरव्यू के लिए है। कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था जो, वो सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना महाकाव्य जो है रामायण है, जबकि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, दोनों में सब महाभारत को ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना महाकाव्य जो है वो रामायण है, और सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो महाभारत है। इसी में जो है रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन था, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग जानते हैं किस विटामिन की कमी से होता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है वो चर्म चर्म में होता है, मतलब कि स्किन में होता है। वो है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि यहाँ पर मैं मिस्टेक से, मतलब कि यहाँ टाइप हो गया था, 9 हो गया था, 1 नवंबर के जगह पर 9 नवंबर। वो 21 जून का जो वीडियो है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें यहाँ 1 नवंबर जहाँ होना चाहिए था वहाँ 9 नवंबर गलती से टाइप हुआ था। तो
उसी में आप लोगों ने में से किसी एक ने कमेंट करके मुझे बताया कि सर वहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो इसी तरह जो भी गलतियाँ वगैरह हों कहीं पर बाय चांस तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, तो मैं उसे अपने अगले वीडियो में सुधार करके आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो वो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है, केरल की राजधानी बताओ, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग राज्य राजधानी एवं राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री जितने भी हैं भारत में वो सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जा रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं, गीतांजलि के रचयिता के नाम बताओ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के रचयिता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो एक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। आगे पूछा गया था, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है इसका आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ देखिए सूर्य ग्रहण का है पूछा गया है, तो चंद्र ग्रहण भी समझिए कि पूछा गया होगा बाद में, या फिर पूछा जा सकता है कभी भी। अगला जो क्वेश्चन है, आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन क्यों ले जा सकता है, जो ये आरबीसी है रेड ब्लड कार्पस जिसे कहते हैं, वो अपने सब साथ ऑक्सीजन क्यों ले जा सकता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस होता है जो क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ये ऑक्सीजन को ले जा सकता है। हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, ये है कि आपने अगर अच्छा से पढ़ाई किया है तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो धावन सोडा का सूत्र बताओ, धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो है Na2CO3, मतलब क्या होता है इसका रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम कौन सी रंग की होती है तरंग दैर्ध्य, तो वो है नीला रंग। कैमरा में, अगला क्वेश्चन है, कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कैमरा में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान के बराबर होता है। ये फार्मूला है, ये सब क्वेश्चन जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जनरली साइंस या आर्ट्स वाले से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र बताओ, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र जो होता है टी बराबर 2π√L/g, ये इसमें सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। कहते हैं इसका आवर्तकाल क्या होता है, ये सब क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कीजिएगा। इसी में देखिए पूछा गया अगला क्वेश्चन, यूपीएस का पूरा नाम बताइए, यूपीएस का पूरा नाम जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। इसी में आगे पूछा गया था क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बताओ, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, एक वृत्त होता है और जिसमें तीर धनुष बना हुआ होता है, तीर धनुष बना हुआ होता है और इसके दोनों तरफ इस तरह से मछली बने होते हैं और ये वृत्त के अंदर होता है, तो कह सकते हैं एक वृत्त में तीर धनुष के दोनों ओर मछली, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है। एक चीज़ मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों का इंटरव्यू होता जा रहा है वो लोग
जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन लोग से, वो अपने क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता दें, ताकि मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा क्वेश्चन अपने वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो इसमें एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं मैंने उसे अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। सोचना ये है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ और मैं ये भूल रहा था ये बताने के लिए, क्यों इसमें अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन और जो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा वो क्वेश्चन को। थैंक यू, धन्यवाद।